हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते की एक और फिल्म फ्रॉड सैया के बारे में। तो देखते हैं क्या है इस फिल्म में खास, जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस हफ्ते बॉलीवुड की कोई खास फिल्में रिलीज नहीं हुई है। हाँ, चीट इंडिया एक हिसाब से एक ठीक ठाक फिल्म है, जिसे अगर आप जाकर देखना चाहो टाइम पास करने के हिसाब से तो ठीक है, वरना वो फिल्म भी इस हफ्ते की इतनी ज्यादा खास नहीं होगी बाकी सभी के लिए। ऐसे में बात करें फिल्म फ्रॉड सैया की, जो बनी है प्रकाश झा के बैनर के अंदर, इससे हमें थोड़ी सी उम्मीद जागती है कि सच में इस फिल्म में देखने जैसा कुछ होगा। लेकिन फिल्म की कहानी मुझे दो फिल्मों की याद दिलाती है, एक नवीन निश्चल की फिल्म 1974 की वो मैं नहीं, और दूसरी यश राज स्टूडियो के अंदर बनी हुई 2011 की लेडीज वर्सेस रिक्की भाई। बस इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि फ्रॉड सैया फिल्म की स्टोरी भी क्या है, क्योंकि सच में ये फिल्म हमें नया प्रेजेंट कुछ भी नहीं करती है। फिल्म की स्टोरी बिल्कुल बकवास है, यहाँ तक कि फिल्म भी आपको पूरी तरीके से करती है बोर। जिस हिसाब से मैं आपसे सीधी और साफ भाषा में कहूँ तो आप इस फिल्म से भी दूर रहे तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। यानी इस हफ्ते की ये तीसरी फिल्म जो करेगी आपका टाइम पूरी तरीके से वेस्ट। इस फिल्म में अगर देखने जैसी चीज है तो वो है अरशद वारसी, जो कहीं कहीं पर हमें ओवर एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, और दूसरे एक जाने माने एक्टर सौरभ शुक्ला, जिनकी एक्टिंग हमें थोड़ा बहुत सेटिस्फाई करती है। इनके अलावा सभी ने फिल्म में काफी ओवर एक्टिंग की है, खास करके फिल्म का वो गाना जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी, और वो सॉन्ग था छम्मा छम्मा, जिस गाने को सिर्फ और सिर्फ एली के कम कपड़े दिखाने के लिए बनाया गया था। वो गाना भी हमें कोई भी एंगल से सेटिस्फाई नहीं करता है। कुल मिलाकर ये फिल्म टोटल टाइम वेस्ट है। जी हाँ, ज्यादा वीडियो की लेंथ बढ़ाकर मैं आपका टाइम क्यों वेस्ट करूं, इसलिए मैंने ऐसी फिल्म रिव्यू काफी कम से कम टाइम में कर दिया। और रही बात फिल्म की स्टोरी की, वो चीज आपको फिल्म के ट्रेलर में साफ साफ नजर आ जाएगी, और उसके बाद आगे क्या होगा वो जानने के लिए आप फिल्म देख लीजिए अगर आपके पास ज्यादा पैसे है तो। और अब आ जाए मेरी रेटिंग पर, तो मेरी रेटिंग रहेगी इस फिल्म के लिए डी, और मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस फिल्म से दूर रहे, ठीक इस हफ्ते की रिलीज रंगीला राजा फिल्म की तरह। और अब आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, अगर आपने ये फिल्म भी देखी है तो क्या आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।